की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पराली जलाने पर पानीपत में बड़ा एक्शन। पानीपत के 2 एडीओ को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें 4 एसएचओ, 8 पटवारी और 9 ग्राम सचिवों को भी यहां पर उन पर भी कार्रवाई हुई है, उन पर भी एक्शन हुआ है। तो पराली जलाने पर पानीपत में ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। 2 एडीओ को सस्पेंड किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया 4 एसएचओ और 8 पटवारी को। कृषि विभाग के डायरेक्टर ने ये एक्शन लिया है। आपको बता दें कृषि मंत्री भी कार्रवाई कर चुके हैं और इसी बीच अब प्रशासन भी एक्टिव है। जो अधिकारी लापरवाही बरतते पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। कारण बताओ नोटिस भी जारी हुए हैं 4 एसएचओ पर। तो कृषि विभाग के डायरेक्टर ने यह बड़ा एक्शन लिया है, ये बड़ी खबर। पराली जलाने के मामले हरियाणा में बढ़ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में मामले ज्यादा हैं, उस लिहाज से कार्रवाई भी हो रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको पानीपत से बता रहे हैं। 4 एसएचओ, 8 पटवारी और 9 ग्राम सचिवों पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। हितेंद्र शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हितेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, पानीपत में भी कार्रवाई हुई है पराली जलाने के मामले पर, क्या कुछ लापरवाही बरती गई थी इनकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बात यह है कि अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो ऐसे कृषि विभाग के 24 अफसरों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें पानीपत के 2, एक इसराना से और एक मतलोडा से, जो कृषि विभाग में थे और कृषि विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कारण बताओ नोटिस जो जारी किया है उसमें 4 एसएचओ हैं, ग्राम सचिव हैं, ग्राम सचिव के साथ साथ जो है जो लगते हुए पटवारी हैं, 7-8 पटवारी हैं, उनको भी जो है नोटिस दिया गया है कि उनके क्षेत्र के अंदर किस तरीके से आग लगती है, किस तरीके से किसान जो है वो लगातार जो है पुराली जला रहे हैं या फांसे जला रहे हैं, उसको लेकर भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और इस मामले में हमने जब जिला उपायुक्त से बात की थी तो उनका यही कहना था कि इस मामले में अब फिलहाल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एनजीटी की तरफ से जो लगातार आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की एनसीआर के अंदर इस तरीके का प्रदूषण बढ़ना जो है वो अपने आप में लगातार जो है रेगुलर, मैं कहूंगा पानीपत के अंदर आंकड़े ये भी आए थे कि लगातार पानीपत भी नंबर 1 बना हुआ था और आज की डेट में भी पानीपत जो है वो रेड जोन में है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार ने जो है मजबूती से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, एफआईआर के साथ गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और जो अधिकारी जो अफसर जो है इसके अंदर जिम्मेदार है उनको बाकायदा सस्पेंड किया गया है। जी देखिए, अलग अलग जगहों के हालात लगातार हम हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे हैं, पानीपत में क्या कुछ है स्थिति, क्या अभी भी वहां पर पराली जलाने के मामले देखने को मिल रहे हैं, किसान क्या जागरूक नहीं है? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार सरकार जो है, सरकार ने पूरे गांव के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, जिस गांव के अंतर्गत कोई पुराली नहीं जलाई जाती, उसके साथ साथ जिस तरीके से यहां पर जो है एंथोन बनाने के लिए बाकायदा एक प्लांट लगाया गया है, उसके अंदर जो है पुराली जो है भेजी जाती थी। तो बहुत सी ऐसी मशीनें वगैरह भी किसानों को मुहैया करवाई गई हैं जिसको लेकर पर्यावरण प्रदूषित ना हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है एनसीआर के साथ साथ लगातार पानीपत हो, करनाल हो, तमाम जो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, जिस तरीके से लगातार इंडेक्स दर्शा रहा है, जिस तरीके से रेड जोन बता रहा है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त हो गया है और अब इसमें लगातार जो है कार्रवाई। और इसके साथ साथ जिला उपायुक्त ने यह भी कहा है कि फिलहाल इस मामले में हमने 2 ही कार्रवाई नहीं की है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। जी जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए जितेंद्र। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।